18 सालों में बीसीसीआई का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन को अस्थाई मान्यता मिल गई है। नई दिल्ली में एसोसिएशन के चेयरमैन विनोद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ। इस मान्यता के लिए खेल मंत्री अरविंद पांडे को कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने विरोध सहन करने पड़े, जानते हैं खुद खेल मंत्री अरविंद पांडे की जुबानी। उत्तराखंड में क्रिकेट के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। 18 सालों से अपनी आइडेंटिटी के लिए तरस रहा उत्तराखंड, आज बीसीसीआई ने उसे एक अस्थायी मान्यता दे दी है। जो चार एसोसिएशन यहाँ थी जिनके आपस के बहुत झगड़े थे, खेल मंत्री अरविंद पांडे ने जिस दिन से शपथ ली सरकार में और खेल मंत्रालय मिला उस दिन से उनका प्रयास चल रहा था उत्तराखंड को बीसीसीआई में मान्यता दिलाने की, तो उसकी तरफ एक बड़ा पहल हुआ है। और आज खेल मंत्री विनोद राय जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं उनसे मिल करके आए हैं, वहाँ कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है और एक अस्थाई कमेटी बनाते हुए 9 सदस्यीय कमेटी, एडहॉक कमेटी बनाई है बीसीसीआई ने, और उसमें 9 मेंबर होंगे जिसमें दो एसोसिएशन से दो और दो अन्य और एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ दो बीसीसीआई के मेंबर भी होंगे। और वो कमेटी एक साल में उत्तराखंड को अस्थाई मान्यता के स्तर पे लाएगी और यहाँ का जो युवा है उसको एक नई पहचान मिलेगी, एक नया मंच मिलेगा। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से रहा उनका ये 1.25 साल का संघर्ष जिसने उत्तराखंड के 18 सालों के संघर्ष को एक मुकाम पे पहुंचा दिया है। पांडे जी धन्यवाद। लगन जी मेरे सब प्रश्नों का जवाब भी आपने स्वयं दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही ये अपने आप में आज का दिन जो है ऐतिहासिक है उत्तराखंड के जो क्रिकेटर हैं इनके लिए भी और जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनके लिए भी, और जो हमारी अवस्थापनाएं बनी है, इंटरनेशनल स्टेडियम बने हैं, इनका भी सौभाग्य है कि अब हमारे बीसीसीआई से आज हमको एडहॉक कमेटी की परमिशन मिल गई है। और निश्चित ही जैसा आपने कहा कि 18 साल में चंद लोगों को अपने स्वार्थ की वजह से, उनके लड़ाई झगड़े की वजह से उत्तराखंड के क्रिकेटरों का बहुत नुकसान हुआ है। और जिस दिन मैंने शपथ ली थी ये हमारा सपना था कि जो झगड़ा है इनको समाप्त किया जाए। और आपने देखा होगा कि मैंने एक इंसानियत के तौर पे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते मैंने इन संघों की अक्सर आए दिनों मैंने बैठक भी की कि इनकी आपसी सहमति बननी चाहिए और उत्तराखंड के हित में काम हमको मिलजुल कर करना चाहिए। आपने देखा भी, लेकिन कई बार बैठक में सफलता मिली भी, कई बार मिलती हुई दिखाई पड़ी और कई बार लोगों का आपसी विवाद भी हुआ। तो जब इन सब चीज़ों पर जो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर को करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए उसको काम को करते करते जब मुझे लगा कि अब मामला इससे सुलझेगा नहीं, और निश्चित ही जैसे 18 साल बच्चों का नुकसान हुआ है, प्रदेश का नुकसान हुआ है क्रिकेट में, ऐसे आने वाले टाइम में भी नुकसान होगा, इसमें पूर्ण विराम लगाने के लिए विवश होकर मुझे फरवरी के महीने में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनसे मौखिक वार्ता करने के पश्चात मुझे लिखित में चिट्ठी भेजनी पड़ी कि जब तक इन संघों का आपसी सहमति नहीं बनती है या विवाद समाप्त नहीं होता है, तो मैंने और मेरी टीम ने खेल विभाग के हमारे अधिकारी चाहे सचिव हो चाहे डायरेक्टर हो सबने मिलजुल के हमने मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेके हमने एडहॉक कमेटी की हमने मांग की। और एडो कमेटी की मांग से पहले भी हमने दिल्ली में भी कल भी मैं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष जी हैं इनसे मैंने लगभग 1.25 घंटे की मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि अभी कोशिश कीजिए कि जितने संघ हैं ये एक होकर ईमानदारी से उत्तराखंड प्रदेश के बच्चों के हित में सोचें, प्रदेश के हित में सोचें तो बहुत अच्छा होगा। और अभी भी एक हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सहमति ना बनने की वजह से जो मैंने लेटर लिखा था उस लेटर के बिहे पे बीसीसीआई के अध्यक्ष जी श्री विनोद राय जी ने एडॉक कमेटी की परमिशन दी, 9 सदस्यीय कमेटी बनाई, एक साल के लिए एडॉक कमेटी की परमिशन दी है। अब रणजी मैच या T20 मैच या वनडे जो भी होगा अब हमारे यहाँ मैच आसानी से हो जाएंगे। हमारे साथ खेल सचिव भूपेंद्र कौर औलख हैं, इनसे पूछते हैं कितनी बड़ी कामयाबी मानती है आज बीसीसीआई के इस एक्टिविटी को जो आज एक सफलता मिली है उत्तराखंड राज्य को, और आगे चल के खेल डिपार्टमेंट का क्या रोल होने वाला है इस क्षेत्र में। ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि माननीय मंत्री जी के करकमलों से बीसीसीआई ने एक एडहॉक कमेटी जो है वो बनाई है, और इसमें जितने हमारे संगठन थे जो पहले आपस में उनके मनमुटाव रहते थे उनके दो दो सदस्य या किसी का एक सदस्य रहेगा, उस बीसीसीआई के मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ी मेहनत करी है, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ इस बंद में। सरना प्लस से बात करने के लिए थैंक यू। जैसा कि आपने देखा खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता बताया और उत्तराखंड के क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा कदम बताया, और उन्होंने कहा कि इस तरह जो सफलता मिली आगे चल के उत्तराखंड के क्रिकेट के इतिहास को स्वर्णिम बनाएगा। और उन्होंने यहाँ के यूथ से भावुक अपील की कि वो संयम और संतुलन और इस देवभूमि का जो नेचर है जो प्रकृति है उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हुए यहाँ जो खेल होते हैं उस पर लोगों को भागीदारी करो और
उनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे इस राज्य का नाम इस देश के खेल मंच पे बहुत अच्छे से उभर सके और यहाँ के युवाओं को एक बड़ा अवसर मिल सके अपनी पहचान बनाने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का। कैमरामैन शिवा के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, साधना प्रेस, देहरादून।